क्लास 12 चैप्टर 14 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन 1। देखो इसमें क्या है कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने, स्टेटमेंट की हेल्प से उसकी इक्वेशंस बनाना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए डेकोरेटिव आइटम्स डीलर डील्स इन टू आइटम्स, वो दो आइटम्स में डील करता है, क्या क्या बनाता है, तो वॉल हैंगिंग्स बनाता है और क्या बनाता है, आर्टिफिशियल प्लांट्स। He has rupees 15,000 to invest. उसके पास मैक्सिमम अमाउंट टू इन्वेस्ट कितना है, रुपीज 15,000, इतना ही वो इन्वेस्ट कर सकता है। एंड ही हैज स्पेस टू शो एटमोस्ट 80 पीसेस, मैक्सिमम स्पेस कितना उसके पास, 80 आइटम्स का स्पेस। ए वॉल हैंगिंग कॉस्ट हिम रुपीज 300 कॉस्ट पर यूनिट, एक वॉल हैंगिंग का कॉस्ट कितना है रुपीज 300 और एक आर्टिफिशियल प्लांट का कॉस्ट कितना है रुपीज 150। ही कैन सेल अ वॉल हैंगिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50, प्रॉफिट दे रखा है हमें, प्रॉफिट पर यूनिट रुपीज 50 और आर्टिफिशियल प्लांट पे क्या है प्रॉफिट कितने का, रुपीज 80। एज्यूमिंग ही कैन सेल ऑल द आइटम्स दैट ही बाय, फॉर्मुलेट ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, हमें ये प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज, ठीक है। अब देखो जितने भी पैसे उसने खरीदा वो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, अमाउंट मैक्सिमम कितना उसके पास, रुपीज 15,000। अब हम लेट करेंगे कि नंबर ऑफ वॉल हैंगिंग्स कितने हैं उसके पास, x, एंड नंबर ऑफ आर्टिफिशियल प्लांट ये कितने हैं उसके पास, y। सबसे पहले और z क्या है उसका, प्रॉफिट, z क्या है, प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट ये है, एक यूनिट पे 50 रुपए का प्रॉफिट, तो x यूनिट पे कितने का आएगा, 50x। एक यूनिट पे 18 का प्रॉफिट, तो y यूनिट पे कितने का आएगा, 18y। और इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज, क्लियर। अब देखो उस एक यूनिट का कॉस्ट 300 रुपए, तो x यूनिट का कॉस्ट कितना आएगा, 300x। एक यूनिट 50-150 रुपए की है, तो वाई में कितने की आएंगी, 150y, 150y। और ये जो अमाउंट है ये कितना इसके पास है, 15,000 या 15,000 से कम, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट इसके पास 15,000 ना, 15,000 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसकी जो ला गया लेस देन इक्वल्स टू 15,000, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद हमें देखना है कि उसके पास मैक्सिमम स्पेस कितनी जगह है, उसके पास केवल वो 80 आइटम रख सकता है, यानी ये दोनों मिलाकर कितने हो सकते हैं, या तो 80 या 80 से कम, x प्लस वाई लेस
than equals to 80. अब number of whole hangings and number of artificial plants can't be negative. ये negative नहीं हो सकते ना. तो इसका मतलब x greater than equals to 0, y greater than equals to 0. और यहां लिखेंगे हम subjected to constraints in conditions we can be dependent. Clear as to now question number 2. This is question number 1. Y boxes. X boxes pay 100x का profit और Y boxes
मैक्सिमम सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट्स, किस किस कंडीशन पे डिपेंड करेगा? देखो ये हो गया हमारा, अभी तक देखते हैं, एक मशीन पे एक बॉक्स पे दो लिमिट पर एक्स बॉक्स पे कितना लगेगा? 2x मिनट, 8y मिनट, ये जो मिनट है कितनी है? 3600, लेस देन इक्वल्स टू 3600। इस पे कितना आएगा? 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 3600, और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्सेस कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ बॉक्सेस कांट बी नेगेटिव। क्लियर सबको? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी इज मेकिंग टू प्रोडक्ट ए एंड बी, दिस इज प्रोडक्ट ए एंड दिस इज प्रोडक्ट बी, दो प्रोडक्ट बनाती है। अब इसमें क्या क्या दिया गया? द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, कोस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने का कोस्ट कितना? 60 रुपए, और बी को, बी का एक यूनिट बनाने का कोस्ट कितना? 80 रुपीज। एज पर द एग्रीमेंट द कंपनी हैज टू सप्लाई एटलीस्ट 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, एटलीस्ट इसकी 200 यूनिट्स बनानी है, इसकी एटलीस्ट 200 यूनिट्स को क्या करना हमें? सप्लाई करना है। वन यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स वन मशीन आर, वेयर एज प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स एज मशीन आर अवेलेबल अबंडेंटली विद इन द कंपनी, मशीन आर पर यूनिट, एक बनाने के लिए कितने मशीन आर चाहिए? 1 आर, और इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। टोटल मशीन आर अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट ए 400 आर, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, इसके लिए मैक्सिमम आर कितने हैं? 400। इसको क्या करना है? मिनिमाइज, बाय सेटिस्फाइंग द गिवन रिक्वायरमेंट और फॉर्मुलेट द गिवन प्रॉब्लम एज एलपीपी। देखो हम लेट करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए x and number of units of product b, this is equals to 1।
जेड क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जेड को क्या करना है? मिनिमाइज। तो यहां क्या लिखेंगे? मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू 60x + 80y। ए का कॉस्ट 60 रुपए, एक्स का कॉस्ट 60x, एक का कॉस्ट 80 रुपए, तो वाई का कॉस्ट कितना देगा? 80y। इसको मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। किस किस कंडीशन में डिपेंड करेगा ये होगा? इसके लिए देखो, एक यूनिट के लिए बना, 10 यूनिट के लिए XR, और वो मैक्सिमम आज कितने हैं? 400, यानी लेस देन इक्वल्स टू 400। ये जो आज ये मैक्सिमम 400 है ना, ये 400 एक 400 से कम है। लेबर आर के लिए X + Y लेस देन इक्वल्स टू 500। अब ये जो है, ये जो Y है, ये एटलीस्ट 200 होनी चाहिए, यानी 200 या 200 से ज्यादा। तो इसका मतलब Y greater than equals to 200 और X और Y तो दोनों ही क्या होते हैं? पॉजिटिव। ये हमारा आंसर है। क्लियर सबको? But not more than 100.
100 यूनिट्स, इसके एटलीस्ट बी के एटलीस्ट कितने हैं 200 यूनिट्स, बी के एटलीस्ट कितने हैं 200 यूनिट्स और सी के एटलीस्ट कितने हैं 50 यूनिट्स बट नॉट मोर देन 100, बट नॉट मोर देन 100 सॉरी 150। सो होने की और 150 से ज्यादा कम से कम 100 तो नहीं बनी और 150 से ज्यादा नहीं बनी। अब इसने कहा जो प्रॉफिट दे रखा है प्रॉफिट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट, इस पे एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट 3 रुपए 2 रुपए और 4 रुपए, इस पे 3 रुपए का प्रॉफिट, इस पे 2 रुपए का प्रॉफिट और इस पे 4 रुपए का प्रॉफिट। अब हमें इस एलपीपी को फॉर्मुलेट करना है टू मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट, तो हम लेट करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, ए के कितने पीस बनाए इसने एक्स, प्रोडक्ट बी कितने बनाए वाई, प्रोडक्ट सी कितने बनाए जेड, कितने बनाए जेड, तो और जेड क्या है यहां पे प्रॉफिट, जेड क्या है यहां पे प्रॉफिट, Z कितना देगा 3x का प्रॉफिट होगा ना, यहां पर ये x यूनिट्स हैं, ये y यूनिट्स और ये z यूनिट्स, एक पीस पे 3 रुपए का प्रॉफिट, तो x पीसिस पे 3x का 2y का और 4z का, इसको क्या करना हमें मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, इसको मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, जो मशीन टाइम पे आते हैं इसके लिए कितना टाइम चाहिए 4x 3 मैक्सिमम 2000 मिनट यानी ये 2000 से कम, ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया, इसमें देखेंगे आप 2x 2y 4z 2x 2y 4z लेस देन इक्वल्स टू 500, ये सब हो गया हमारा, ये रहेगा ए जो है वो 100 से ज्यादा होना चाहिए और 150 से कम, एक्स 100 या 100 से ज्यादा 150 या 150 से कम, नॉट मोर देन 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 150 तक हो सकता है, वाई एटलीस्ट कितना होना चाहिए 200 और Z एटलीस्ट कितना होना चाहिए 50 और एक कंडीशन और की एक्स वाई जेड दीज आर द यूनिट्स दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स और सेवन दोनों ही जैसे हैं, इसमें मैंने तुम्हें 7 क्वेश्चन करवाए, क्वेश्चन 6 यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, क्वेश्चन 7 ए डाइट इज टू कंटेन 400 एटलीस्ट 400 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट 500 यूनिट्स ऑफ फैट्स 300 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, टू टाइप्स ऑफ फूड आर अवेलेबल, देर आर टू टाइप्स ऑफ फूड, फूड F1 और फूड F2, अब पोस्ट
पर यूनिट दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस्ट पर यूनिट। फूड एफ वन की कॉस्ट कितनी है, रुपीज टू पर यूनिट, और एफ टू की कॉस्ट कितनी है, रुपीज फोर पर यूनिट। अब इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स पर यूनिट, फिर फैट पर यूनिट, एंड देन प्रोटीन पर यूनिट। फूड एफ वन में 10 यूनिट कार्बोहाइड्रेट के, 20 यूनिट फैट के, 15 यूनिट प्रोटीन के, 10, 20, 15। फूड एफ टू में 25, 10 और 20। अब कार्बोहाइड्रेट्स की एटलीस्ट कितनी यूनिट्स अवेलेबल हमारे पास, एटलीस्ट 400 यूनिट्स। इसकी एटलीस्ट कितनी यूनिट्स अवेलेबल हमारे पास, एटलीस्ट 500 यूनिट्स। और इसकी हमारे पास कितनी यूनिट्स अवेलेबल है, एटलीस्ट 300 यूनिट्स। तो मिनिमम कॉस्ट, इस कॉस्ट को हमें क्या करना है, मिनिमाइज। एफ वन फूड की कितनी यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं हम, एक्स यूनिट, और एफ टू फूड की कितनी यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं हम, वाई यूनिट। लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फूड एफ वन x units and the number of units of food F2 और z क्या है, cost। तो minimize करना है इसको। अब minimize करेंगे इसको हम, तो एक यूनिट दौड़ेगी तो x units निकलेगी 2x रुपीज, और एक यूनिट 4 रुपएगी तो y units निकलेगी। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, देखो एक यूनिट में 10 यूनिट है तो x यूनिट में कितनी होंगी, 10x यूनिट, 25y यूनिट, और ये जो यूनिट नहीं है कम से कम कितनी हो, 400, मतलब ये 400 या 400 से ज्यादा। 20x प्लस 10y 500, 15x 20y 300, और xy greater than equals to 0। तो यहां से 5 कॉमन ले सकते हैं हम, 2x प्लस 5y 80, यहां से 10 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस y 50, और यहां से 5 कॉमन आएगा, 3x प्लस 4y 60, और ये तो xy greater than equal to 0 है। तो इन कंडीशंस पे डिपेंड करता है।